नमस्कार, सिल्क टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सत्यम। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जल जीवन हरियाली अभियान की सफलता को लेकर बिहार की जनता ने रचा इतिहास। मानव श्रृंखला बनाकर पर्यावरण संरक्षण का लिया संकल्प। भागलपुर में मानव श्रृंखला के दौरान सुरक्षा के दिखे व्यापक इंतजाम। डीआईजी, डीएम और एसएसपी समेत सभी अधिकारी ने थामा एक दूसरे का हाथ। जिले भर में 360 किलोमीटर लंबी मानव श्रृंखला का हुआ निर्माण। स्कूली बच्चों से लेकर आम लोगों में दिखा उत्साह। पीड़ित व्यवसायी को केस वापस लेने की धमकी देने पहुंचे पुलिसकर्मी समेत दो अपराधी गिरफ्तार। हथियार हुआ बरामद। और बुनकर संघर्ष समिति ने मनाया 31वां शहीद दिवस। मुख्यमंत्री से लगाई न्याय की गुहार। अब समाचार विस्तार से। उंगलियां जुड़े तो मुट्ठी बने और हाथ जुड़े तो साथ बने। जी हां, रविवार को पूरे बिहार में कुछ ऐसी ही तस्वीर नजर आई। लोग एक दूसरे की उंगली और हाथ पकड़कर सड़क पर कतारबद्ध खड़े थे और बिहार की धरती से जल जीवन हरियाली एवं पर्यावरण संरक्षण के समर्थन में एकजुटता का संदेश दे रहे थे, साथ ही कुप्रथा को मिटाने का संदेश दिया। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार की राजधानी पटना में विश्व की सबसे बड़ी मानव श्रृंखला के साक्षी बने, तो दूसरी तरफ सूबे के सभी जिले में प्रशासनिक अधिकारी से लेकर आम जनता, छात्र छात्रा और जनप्रतिनिधियों ने ह्यूमन चेन बनाकर इतिहास रचा। इधर मानव श्रृंखला को लेकर भागलपुर में हल्की बारिश होने के बाद भी लोगों का उत्साह कम नहीं हुआ और लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जिलाधिकारी प्रणव कुमार और एसएसपी आशीष भारती समेत जिले भर के सभी पदाधिकारी मानव श्रृंखला को सफल बनाने के लिए एकजुट दिखे। डीएम और एसएसपी ने पौधारोपण कर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जल जीवन हरियाली अभियान को सफल बनाने की अपील की, साथ ही बाल विवाह और दहेज प्रथा को मिटाने की बात कही। भागलपुर में करीब 360 किलोमीटर लंबी मानव श्रृंखला बनी, जिसका विभिन्न स्थानों से जायजा लिया सिल्क टीवी संवाददाता सैयद इनामुद्दीन ने। जल जीवन हरियाली अभियान और नशा मुक्ति के समर्थन में बाल विवाह एवं दहेज प्रथा उन्मूलन को लेकर आज बिहार इतिहास रचेगा। और इस वक्त हम मौजूद हैं भागलपुर के तिलका मांझी चौक पर। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जल जीवन हरियाली को लेकर लोगों में उत्साह है। नर्सिंग की छात्राएं काफ़ी संख्या में जल जीवन हरियाली अभियान को सफल बनाने में सड़क पर आ चुकी हैं और हाथ से हाथ थाम कर एक दूसरे की खड़ी हैं। चुके हैं भागलपुर के कचहरी चौक पर, जहां भी जल जीवन हरियाली अभियान को लेकर लोग कतारबद्ध हो चुके हैं। हालांकि सुबह में मानव श्रृंखला बनने के एक घंटा पूर्व हल्की बारिश हुई, हल्की बूंदाबांदी के कारण लोगों का भी उत्साह कम नहीं हुआ और काफ़ी संख्या में लोग एक दूसरे के हाथ पकड़े मानव श्रृंखला को सफल बनाने के लिए खड़े हैं। चुके हैं भागलपुर के घंटाघर चौक पर और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बिहार की जनता ह्यूमन चैन बनाकर एक दूसरे का हाथ थाम कर खड़ी हुई है और मानव श्रृंखला को सफल बनाने का संदेश दे रही है। स्कूली जो छात्राएं हैं, स्कूली जो बच्चे हैं, वो काफ़ी संख्या में रोड की दोनों ओर, दाएं बाएं दोनों तरफ कतारबद्ध है और लंबी कतार देखी जा सकती है। भागलपुर में 360 किलोमीटर की जो मानव श्रृंखला है, लंबी मानव श्रृंखला बनने जा रही है। जल जीवन हरियाली एवं नशा मुक्ति के समर्थन में एवं बाल विवाह और दहेज प्रथा मिटाने के उद्देश्य से रविवार को मानव श्रृंखला बनाई गई। वहीं मानव श्रृंखला के दौरान भागलपुर में सुरक्षा की मुकम्मल व्यवस्था की गई थी। NH से लेकर स्टेट हाईवे समेत सभी मुख्य सड़क मार्ग पर दंडाधिकारी के साथ पुलिस बलों की तैनाती की गई थी, साथ ही ड्रोन कैमरा और GPS लगी मोबाइल से मानव श्रृंखला पर नजर रखी जा रही थी। SSP आशीष भारती के निर्देश पर DSP एवं थाना अध्यक्ष अपने अपने क्षेत्र में सुबह से ही मुस्तैद दिखे। मानव श्रृंखला को लेकर जिले भर में सुरक्षा के क्या इंतजाम किए गए थे, इसको लेकर CT DSP राजवंत सिंह से बात की सिल्क टीवी संवाददाता सैयद इनामुद्दीन ने। जल जीवन हरियाली अभियान को लेकर के पुलिस प्रशासन की ओर से सुरक्षा की मुकम्मल व्यवस्था की गई है। सभी चिन्हित चौक चौराहों पर दंडाधिकारी के साथ पुलिस बलों की तैनाती की गई है और आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग कतारबद्ध है। खुद जो भागलपुर के CT DSP हैं राजवंश सिंह, वो मौजूद हैं और हाथ पकड़े हुए हैं और मानव श्रृंखला को सफल बनाने का संकल्प दिला रहे हैं। हम हमारे साथ DSP साहब हैं, उनसे बात करते हैं कि सर आज क्या संदेश होगा आपका। मैं चारों तरफ घूमते हुए दो घंटे से पिछले मैंने सारा जगह फोर शुगर का चेक कर लिया। ठीक 11:30 बजे जब मैं यहाँ पहुँचा घंटाघर पर, तो लाइन लगी हुई थी। नगर निगम के कर्मचारी और एक बच्ची ने कहा और स्थानीय अखबार के लोगों ने, तो मैं भी लाइन में हूँ। आधा घंटा मैं लगातार लगा रहा।
सुरक्षा की सर आज क्या व्यवस्था की गई है? सारे चौक चौराहों पर और हर चार आदमी एक किलोमीटर के हिसाब से, जो डीएम साहब का और वरीय पुलिस अधीक्षक आदेश था, सब जगह लगाया गया है। धीरे धीरे यातायात को हम लोगों ने बड़े आराम से रोकने का प्रयास किया है, लेकिन जो अनिवार्य सेवा है, जो निर्देश है सरकार का, वो सब खुला हुआ है और 12 बजे तक ये लाइन इसी तरह से लगे रहेगी जैसा कि आप देख रहे हैं, और चारों तरफ विधि व्यवस्था चार चौक। अनिवार्य सेवा को बाधित नहीं किया गया है, अनिवार्य सेवा चालू है और सुरक्षा की मुकम्मल व्यवस्था की गई है। बड़ी एक पुलिस कप्तान जो है SSP आशीष भारती, उसके निर्देश पर पूरी सुरक्षा की मुकम्मल व्यवस्था है। अपने सहयोगी कैमरा पर्सन सुमित के साथ सैयद इनामुद्दीन, सिल्क टीवी, भागलपुर। जल जीवन हरियाली अभियान को लेकर रविवार को पूरे राज्य के लोगों ने मानव श्रृंखला की कड़ी बनकर विश्व को एकजुटता का संदेश दिया। भागलपुर जिले के नवगछिया में NH 31 पर विशाल मानव श्रृंखला बनाई गई। सरकारी विभाग के कर्मियों के अलावा स्कूली छात्र एवं आम जनता भी मानव श्रृंखला की सफलता के लिए एकजुट दिखे। वहीं बांका के पंजवारा में मानव श्रृंखला बनाकर आम लोगों को जल जीवन हरियाली के संरक्षण को लेकर जागरूकता का संदेश दिया गया। इस दौरान छात्राओं ने बाल विवाह और दहेज प्रथा के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं बांका के गांधी चौक पर बने मानव श्रृंखला में मंत्री, DM, SP, DDC सहित कई अधिकारियों ने एक दूसरे का हाथ थामकर एकता का संदेश दिया। इस दौरान राजनीतिक दल, सामाजिक संगठन एवं विभिन्न स्कूलों के छात्र छात्राओं ने मानव श्रृंखला की कड़ी बनकर जल और हरियाली को बचाने के लिए पौधे लगाने का संकल्प लिया। भागलपुर के हबीपुर थाना क्षेत्र के सहजंगी निवासी मोहम्मद राजा के साथ हुई लूटपाट का केस वापस लेने की धमकी देने पहुंचे हथियारबंद अपराधियों को शनिवार की देर रात स्थानीय लोगों ने दबोच लिया, जिसके बाद उसकी जमकर पिटाई की गई और पुलिस के हवाले कर दिया। पकड़े गए बदमाशों की पहचान मुजाहिदपुर पूर्वी टोला निवासी मोहम्मद नदीम, मोहम्मद जावेद और सिपाही मोहम्मद समीम के रूप में हुई है। पुलिस ने तलाशी के दौरान पकड़े गए बदमाशों के पास से एक पिस्टल और 6 गोलियां बरामद की है। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही SSP आशीष भारती ने सिपाही मोहम्मद समीम को निलंबित कर दिया। दरअसल 12 जनवरी की रात वैरायटी चौक के समीप मोहम्मद राजा से हथियारबंद बदमाश ने 8,000 रुपये लूट लिए थे, जिसको लेकर व्यवसायी द्वारा कोतवाली थाने में अज्ञात पुलिसकर्मी के ऊपर मामला दर्ज कराया गया था। शनिवार की रात व्यवसायी मोहम्मद राजा को बदमाशों ने हथियार के बल पर केस उठाने की धमकी देने लगा, जिसके बाद राजा और परिजनों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। वहीं चीख पुकार सुनते ही स्थानीय लोग घटनास्थल पर पहुंचे और तीनों को दबोच लिया। घटना की जानकारी मिलते ही CTDSP राजवंश सिंह मौके पर पहुंचे और पकड़े गए सिपाही एवं बदमाशों से पूछताछ में जुट गए। DSP ने बताया कि पूछताछ के दौरान सिपाही ने CTS में ट्रेनिंग लेने की बात कही। आज सूचना मिली कि 2-3 रोज पहले कोतवाली थाना में हबीबपुर के राजा नामक एक व्यक्ति ने कांड दर्ज कराया था कि वर्दी पहने हुए 2 अज्ञात लोगों ने उससे पैसा ले लिया। ये कांड दर्ज किया गया था, इसका अनुसंधान पुलिस कर रही थी कोतवाली पुलिस। तभी आज सूचना मिली कि राजा के पास उसके रिश्तेदार सिराज के दुकान पर 3 लोग आए, जो इसको दबाव बनाने लगे केस वापस ले लो। जब ये लोग तैयार नहीं हुआ तो 3 में से 1 ने पिस्तौल निकाल लिया। पब्लिक ने इन लोगों को रोक लिया और पुलिस को सूचना दिया। हबीबपुर थाने के इंस्पेक्टर गए, 3 लोगों को पकड़ा, एक का नाम नदीम है, एक का जावेद है और तीसरा जो पकड़ा गया उसका नाम समीम है। ये सभी लोग पूर्वी मुजाहिदपुर के रहने वाले हैं। तीनों को गिरफ्तार किया गया है, आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। बुनकर संघर्ष समिति की ओर से रविवार को भागलपुर के चंपानगर में 33वां बुनकर शहीद दिवस मनाया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता बुनकर समिति के अध्यक्ष नेजाहत अंसारी ने की। इस दौरान बुनकरों ने कहा कि देश की आजादी के बाद किसान और बुनकर को राष्ट्रीय उद्योग का दर्जा दिया गया, लेकिन सरकार ने बुनकरों की मूलभूत समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया। वहीं महासचिव अशफाक अंसारी ने कहा कि कई बुनकरों का परिवार कर्ज के बोझ से त्रस्त है, लेकिन सरकारी सहायता नहीं दी जा रही है। मौके पर जुम्मन अंसारी और प्रदीप कुमार ने बुनकर इलाके में पर्याप्त बिजली देने और जर्जर तार बदलने की मांग की। बुनकर संघर्ष समिति ने जिला प्रशासन से पावर लूम, बुनकरों को प्रमाण पत्र देने और बिजली बिल के भुगतान में 90% सब्सिडी देने की मांग की। साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से पूर्व से चले आ रहे बिजली की बकाया राशि माफ करने की मांग की। मौके पर मोहम्मद सिकंदर, गोपाल प्रसाद, अफजल अंसारी समेत कई बुनकर और समाज सेवी मौजूद थे। हमारे बुनकर जहांगीर, शशि, गंगा प्रसाद, जब 80 के दशक में बिजली नहीं मिल रही थी, लोग भूखमरी के शिकार हो गए थे और बिजली के कारण बहुत परेशानी हो गई थी और सामूहिक लाइन काट दिया गया था, तो आंदोलन हुआ बिजली लाने के लिए। उसके बाद जो है बिजली लाने में ये आंदोलन 19 जनवरी 1987 को हमारे प्रशासन द्वारा, पुलिस प्रशासन के द्वारा होली चलाई गई
और जहांगीर और शशि एक ही गोली से दो लोग व्यक्ति शहीद हो गए, ये एक इतिहास है। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। जी हाँ, अब आपके शहर भागलपुर में विश्व स्तरीय पढ़ाई की सुविधा पहली बार। जीडी गोइंका पब्लिक स्कूल, सीबीएसई करिकुलम, नर्सरी से 7th तक की पढ़ाई, सेंट्रलाइज्ड एयर कंडीशन कैंपस, एसी बस विथ जीपीएस एंड सीसीटीवी, चाहे आवासीय हो या डे स्कॉलर, बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए पढ़ाई के साथ साथ योग, खेल, कला और ई लाइब्रेरी भी। हमारा पता है जीडी गोइंका पब्लिक स्कूल, जीछो बिशनपुर भागलपुर। कॉन्टेक्ट नंबर 7672800010। एडमिशन इज गोइंग ऑन। कैंसर से डरे नहीं, कैंसर से संघर्ष करें और साहस रखें। सही समय और सही जगह पर इलाज करवाने से आप इस संघर्ष में हमेशा आगे रहेंगे। और इस संघर्ष में आपके साथ है भारत विख्यात हॉस्पिटल समूह नारायणा हेल्थ। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें 9199446571। याद रहे 9199446571। नारायणा हेल्थ। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राज्यव्यापी मानव श्रृंखला में नगर निगम, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग समेत सभी विभाग के अधिकारी से लेकर कर्मचारी शामिल हुए और एक दूसरे का हाथ पकड़कर जल जीवन हरियाली अभियान का समर्थन किया। भागलपुर समाहरणालय एवं नगर निगम के मुख्य द्वार को जहां आकर्षक रूप से सजाया गया था, वहीं मिक्की माउस के वेशभूषा में मौजूद युवक युवतियों ने लोगों को मानव श्रृंखला में शामिल होकर सरकार के अभियान से जुड़ने का संदेश दिया। वहीं मानव श्रृंखला को लेकर नगर निगम की मेयर सीमा शाह ने क्या कुछ कहा, आइए हम आपको दिखाते हैं। आज बिहार इतिहास रचेगा, जल जीवन हरियाली अभियान, नशा मुक्ति और बाल विवाह एवं दहेज प्रथा को लेकर के बिहार इतिहास रचने जा रहा है। इसको लेकर के भागलपुर में भी काफ़ी जोर शोर से तैयारी चल रही थी। हमारे साथ भागलपुर की प्रथम नागरिक सीमा शाह मौजूद है, हम उनसे सीधा बातचीत करते हैं कि वो मानव श्रृंखला को लेकर के क्या संदेश देंगी। क्या संदेश होगा मैडम आपका? आज जल जीवन हरियाली पे सरकार का योजना है, हम लोग हरियाली पे ध्यान ज़्यादा दें ताकि हरियाली रहे, हम लोग का सफर और जल जीवन के लिए हम लोग जीवन जल हम लोग का एकदम पूरा समय पे, मतलब कहीं ऐसे में ना हो, ये रहना चाहिए जल। और ये सरकार जो दिए है कि जो होती है हरियाली बढ़ाने के लिए, हरियाली बढ़ाने के लिए नगर निगम प्रयासरत है, लेकिन भागलपुर नगर निगम के द्वारा क्या तैयारी की गई है, मेयर से ही जानते हैं। यहाँ से पूरा तैयारी किया गया है। कैसी तैयारी है मानव श्रृंखला को लेकर के? मानव श्रृंखला को जैसे हम लोग पहले था शराब मुक्त किया गया था और ये हम लोग का भागल मुक्त किया गया था, बच्चे को हम लोग पढ़ाएं लिखाएं शिक्षा बनाएं सब के लिए किया गया था, उसी तरह हम लोग आज भी जल जीवन हरियाली को बनाया गया। छोटे छोटे बच्चे जल जीवन हरियाली अभियान से जुड़े, इसके लिए नगर निगम के द्वारा प्रयास किया जा रहा है। हमारे साथ थी भागलपुर नगर निगम की मेयर सीमा शाह। सदियों से इतिहास रचती आ रही बिहार की धरती ने एक बार फिर रविवार को इतिहास रच दिया। बिहार के लोगों ने राज्य भर में 16,000 किलोमीटर से अधिक की मानव श्रृंखला बनाकर विश्व को पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया, साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अभियान की सराहना की। भागलपुर में मानव श्रृंखला के दौरान प्रशासनिक अधिकारी, जनप्रतिनिधि, शिक्षक, छात्र छात्रा और आम लोगों ने क्या कुछ कहा, आइए हम आपको दिखाते हैं। मानव श्रृंखला को लेकर के आज का संदेश तो जो इस मानव श्रृंखला के मूल में आज जो है जल जीवन हरियाली थीम पर आज सभी ये जो एक्सरसाइजेस हैं उसी को लेकर, पर्यावरण को बचाना जीवन को बचाने के समान, और इसको लेकर जो पब्लिक के बीच में एक अवेयरनेस विगत 2 महीने से इस पर लोगों का काफ़ी फोकस रहा है, उसको आज हम लोगों ने मानव श्रृंखला के रूप में फाइनली यहाँ पर आप जो देख रहे हैं मानव श्रृंखला जागरूक करने के लिए लोगों को कि जीवन अगर बचाना है, पर्यावरण को बचाना है, जल को बचाना है, पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण ये बहुत आवश्यक है। सुरक्षा हरियाली महत्वपूर्ण विषय है, आज अगर आगे चल के आदमी को अगर जिंदा रहना तो तीनों चीज़ें ध्यान देना होगा। जल का स्तर जा रहा है, हरियाली कट रहा है, इस सबको बचाना है हम लोग को, जल ही जीवन है, हरियाली अगर सही रहेगा तो ऑक्सीजन सही मिलेगा। हम लोग यहाँ पे एक
जगह पर टिक दे रहे ताकि हमारा बिहार हरियाली से उजागर हो। यहाँ पे हरियाली के लिए हम लोग खड़े हैं। जल जीवन हरियाली के तहत ये मानव श्रृंखला बनाया गया जिसमें हम लोग सहभागी दे। ये प्रयास बहुत अच्छा है क्योंकि पेड़ काटे जा रहे हैं, ऑक्सीजन कम हो रहे हैं, जल भी प्रदूषित हो रहा है। इससे क्या हो रहा है कि हमारे आसपास के जितने लोग हैं, गरीब लोग, उनको ऑक्सीजन सही से नहीं मिल पा रहा। ये मानव श्रृंखला में लगे हुए हैं, हमारा जो बिहार हो वो नशा मुक्त हो। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के सीनेट हॉल में रविवार को HIV पर कार्यशाला आयोजित की गई। राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के बैनर तले आयोजित कार्यशाला में विश्वविद्यालय के प्रति कुलपति प्रोफेसर राम यतन प्रसाद, वित्तीय पदाधिकारी विजयमल प्रसाद, वित्त परामर्शी पद्मकांत झा, NSS के समन्वयक डॉक्टर दीपो महतो, प्रोफेसर इकबाल अहमद समेत कई डॉक्टरों ने शिरकत की। कार्यशाला में विशेषज्ञों ने HIV संक्रमण की जानकारी दी और इसके बचाव के उपाय बताए। कार्यशाला में काफी संख्या में NSS से जुड़े अधिकारी और स्वयंसेवक मौजूद रहे। वहीं डॉक्टर दीपो महतो एवं मृत्युंजय कुमार ने कार्यशाला का उद्देश्य बताया। मौके पर इंद्रभूषण समेत कई कर्मचारी और छात्र छात्रा मौजूद थे। आज तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के रेड रिबन क्लब जो NSS के द्वारा चलाया जा संचालित है, एड्स और HIV जागरूकता पर कार्यशाला किया जा रहा है, जिसमें 14 कॉलेज के कार्यक्रम पदाधिकारी और वहां से दो दो पीयर एजुकेटर को बुलाया गया है। इस तरह से हमारे कुछ रिसोर्स पर्सन आए हुए हैं जो हमारे बच्चों को इस संबंध में जानकारी देंगे। आज एड्स जागरूकता पे आज वर्कशॉप रखा गया था तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में, जिसमें 17 महाविद्यालय से 2 प्रोग्राम ऑफिसर, 1 प्रोग्राम ऑफिसर और 2 स्वयंसेवक आए थे, जिसमें हमारे विश्वविद्यालय के प्रति कुलपति सर, FO सर, FA सर उपस्थित हुए और एड्स के बारे में जागरूक किए। और राज्य भर में बनने वाली मानव श्रृंखला को लेकर लोगों में काफ़ी उत्साह देखा गया। सुबह से ही स्कूली बच्चे कतारबद्ध होकर स्कूल से मुख्य सड़क की ओर आने लगे। हाथों में जल जीवन हरियाली और पर्यावरण संरक्षण से संबंधित पेंटिंग और बैनर पोस्टर लेकर छात्र छात्रा पूरी दुनिया को एकजुटता, शिष्टाचार और पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते दिखे। इस दौरान सेल्फी लेने का दौर भी चलता रहा। भागलपुर के कचहरी चौक, घंटाघर चौक, खलीपाबाग चौक, तिलका मांझी चौक, ततारपुर चौक, स्टेशन चौक समेत जिले भर के चौक चौराहों और वार्डों में लोग एक दूसरे का हाथ पकड़कर अभियान का हिस्सा बने। आइए हम आपको दिखाते हैं जल जीवन हरियाली अभियान की कुछ खूबसूरत झलकियां। ये है मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार, ये है मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार, ये है मेरा बिहार, हाँ ये मेरा बिहार। और अंत में चलते चलते एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जल जीवन हरियाली अभियान की सफलता को लेकर बिहार की जनता ने रचा इतिहास। मानव श्रृंखला बनाकर पर्यावरण संरक्षण का लिया संकल्प। भागलपुर में मानव श्रृंखला के दौरान सुरक्षा के दिखे व्यापक इंतजाम। DIG, DM और SSP समेत सभी अधिकारी ने थामा एक दूसरे का हाथ। जिले भर में 360 किलोमीटर लंबी मानव श्रृंखला का हुआ निर्माण। स्कूली बच्चों से लेकर आम लोगों में दिखा उत्साह। पीड़ित व्यवसायी को केस वापस लेने की धमकी देने पहुंचे पुलिसकर्मी समेत 2 अपराधी गिरफ्तार। हथियार हुआ बरामद। और बुनकर संघर्ष समिति ने मनाया 31वां शहीद दिवस। मुख्यमंत्री से लगाई न्याय की गुहार। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।